नमस्ते आप सभी को। बिट डेप्थ के सिक्स्थ एपिसोड के पहले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ नए इवेंट्स और न्यूज़ टेक्नोलॉजी और गेम्स की दुनिया की। वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में स्मार्टफोन्स और गेम्स के कुछ न्यूज़ रहेगी, दूसरे पार्ट में कंप्यूटर्स और मिसलिनियस कैटेगरी जिसमें वेरेबल्स, कॉन्सोल्स, एप्स और रूमर्स रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल हैं अगर आप कोई सेक्शन पर डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन्स से। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने कुछ नए अपडेट्स और प्लान्स शेयर किए हैं अपने मोबाइल्स और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को लेकर। पहला तो उनके इन नोट वन के लिए एंड्रॉयड 11 अपडेट अप्रैल के आसपास आने वाला है और अर्ली एक्सेस वॉलंटियर करने के लिए आप माइक्रोमैक्स के फोरम्स पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उनके दूसरे फोन इन वन बी के लिए एंड्रॉयड 11 गो एडिशन अपडेट भी प्लान्ड है। 5G मोबाइल फ़ोन माइक्रोमैक्स में बैंगलोर R&D सेंटर में अंडर डेवलपमेंट है, तो जल्द ही 5G फ़ोन भी देखने को मिलेगा माइक्रोमैक्स की तरफ से। और साथ ही वायरलेस ईयरफोन्स या हेडफोन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, जहां राहुल शर्मा ने लेट्स टॉक इंडिया के नए एपिसोड में इन सब के बारे में बात की है। नोकिया ने इंडिया में अपने दो एंट्री लेवल फ़ोन्स लॉन्च कर दिए हैं, नोकिया 3.4 और नोकिया 5.4। नोकिया 3.4 सिर्फ 4GB 64GB कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। इसका प्राइस ₹11999 रहेगा और 20 फरवरी को फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल हो जाएगा। नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है प्री ऑर्डर करने के लिए। नोकिया 5.4 दो कॉन्फ़िगरेशंस में आएगा, 4+64GB जिसका प्राइस ₹13999 रहेगा और 6+64GB का प्राइस ₹15499 रहेगा। और 5.4 फ्लिपकार्ट और नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगा। इनके कुछ स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। साथ ही नोकिया ने पावर ईयरबड्स लाइट TWS ईयरफोन्स भी लॉन्च किए हैं, जिनका प्राइस ₹3599 है और नोकिया की साइट पर परचेज करने के लिए अवेलेबल है। इन TWS ईयरफोन्स में 6mm के ड्राइवर्स हैं, IPX7 रेटिंग है, 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम है और चार्जिंग केस के साथ 30 आवर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। साथ ही टच कंट्रोल्स दिए गए हैं और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट है। नोकिया 3.4 और पावरबर्ड्स लाइट का बंडल भी अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्वालकॉम ने दो वायरलेस 5G मॉडम्स लॉन्च किए हैं। वर्ल्ड का सबसे पहला 10 Gbps वायरलेस मॉडम लॉन्च कर दिया है X65 और एक अफोर्डेबल X62। इनका आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि फ्यूचर में इसमें फीचर्स ऐड हो सकते हैं वाया सॉफ्टवेयर अपडेट्स। X65 10 Gbps तक डाउनलोड स्पीड दे सकता है 1000 MHz बैंडविड्थ पर और X62 4.6 Gbps की स्पीड्स 400 MHz पर। साथ ही क्वालकॉम ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटेना ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें यूजर के हैंड ग्रिप के हिसाब से ट्यून करके वे इम्प्रूव डेटा स्पीड्स, बेटर कवरेज और बैटरी बैकअप ऑप्टिमाइज करेगा। 2021 के आखिरी कुछ महीनों में हम इन मॉडम्स को यूज़ करते कुछ स्मार्टफोन्स देख सकते हैं और ये मॉडम्स फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में भी इंटीग्रेट होंगे। एंड्रॉयड 12 कुछ ही महीनों में अपने डेवलपर प्रीव्यूज और बीटाज लॉन्च करने वाला है, बट हमें ऑनलाइन कुछ लीक्स मिले हैं एंड्रॉयड के नए वर्जन के। एंड्रॉयड 12 को विजुअल डिज़ाइन चेंजेस मिलने वाले हैं जो शायद बहुत लोग इंक्लूडिंग मी वेट कर रहे थे। नोटिफिकेशंस पैनल फिर चेंज होने वाला है, ट्रांसपेरेंसी हटके अब लाइट बेज कलर हो जाएगा और शायद ये डिपेंड करेगा आपके फ़ोन की लाइट या डार्क थीम पर। हर नोटिफिकेशन सेक्शन के कॉर्नर्स अभी और राउंडेड हैं और क्विक सेटिंग टाइल्स जो पहले 6 थी अभी 4 हो गई है और साइज बड़ा हो गया है। डेट और क्लॉक की पोजीशंस भी स्वॉप हो गई हैं। मैसेज के साइड में ऑरेंज टैब में शायद अनरेड मैसेजेस नोटिफाई करेगा। कुछ नए प्रिवेसी फीचर्स भी ऐड होंगे, जैसे कि स्टेटस बार आपको ग्रीन कलर में वार्निंग इंडिकेटर आएगा जब भी कोई एप्लीकेशन कैमरा या माइक्रोफोन को यूज़ करेगा। फिर उस इंडिकेटर पर क्लिक करने से जो ऐप उस फीचर को यूज़ कर रही होगी वो बता देगा। प्रिवेसी सेटिंग्स मेन्यू में अब आप कैमरा माइक्रोफोन को पूरी तरह से डिसेबल कर पाएंगे लोकेशन एक्सेस के टॉगल के साथ। करेंटली डेवलपर सेटिंग्स में जाके क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स में सेंसर ऑफ के ऑप्शन को टॉगल कर सकते हैं, बट ये फीचर शायद अब अपफ्रंट आ जाएगा। विजिट्स को भी डिज़ाइन चेंज मिलने वाला है एंड्रॉयड 12 में। कॉन्वर्जेशन विजिट में अब रिसेंट मैसेजेस, मिस कॉल्स,
या एक्टिविटी स्टेटस हाईलाइट होंगे। विजेट का साइज छोटा है इसलिए सिर्फ एक ही एक्टिविटी को हाईलाइट कर पा रहा है। ये सभी स्क्रीनशॉट्स अभी फाइनल डिज़ाइन नहीं इंडिकेट कर रहे हैं और गूगल किस तरीके से ये चेंजेस इंप्लीमेंट करता है ये अगले महीने पता चल जाएगा। OnePlus के कुछ लीक्स और रूमर्स आए हैं उनके अपकमिंग और फ्यूचर डिवाइसेस को लेकर। पहले तो ये कि लेट्स गो डिजिटल की तरफ से एक लीक ये आया है कि OnePlus ने पेटेंट फाइल किया है जो बताता है OnePlus प्लान कर रहा है फ़ोन के सेल्फी कैमरा को बेजल में इनकॉर्पोरेट करने का। इसका एक इमेज भी शेयर किया है लेट्स गो डिजिटल ने। फ़ोन का स्क्रीन OLED ही रहेगा बट उसके बेजल में एक बहुत ही छोटा सा होल रहेगा जिसमें सेल्फी कैमरा माउंटेड रहेगा और फ्रंट में रेगुलर ग्लास रहेगा जिसे हम टच करते हैं। इससे OnePlus स्क्रीन कटआउट का एक्सपेंडिचर को बचा सकेंगे और साथ ही सेल्फी कैमरा की इमेज क्वालिटी भी हैम्पर नहीं होगी। देखना यह है कि OnePlus इस फीचर को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। डेव टूडी एक फेमस यूट्यूबर ने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनको OnePlus 9 Pro का प्रोटोटाइप मिला है जिसका कैमरा सिस्टम हैसलब्लैड ने को डेवलप किया है। हैसलब्लैड अगर आप नहीं जानते तो ये एक स्वीडिश कंपनी है जो हाई एंड डिजिटल मीडियम फॉर्मेट कैमराज और लेंसेज बनाते हैं और मोटरोला ने अपने मोटो जी फोन्स के लिए मॉड्स निकाले थे उसमें हैसलब्लैड कैमरा मोटो मॉड भी था। पीट लाओ OnePlus के को फाउंडर ने बात की थी कुछ टाइम पहले कि वो OnePlus फोन्स के कैमरास को फ्लैगशिप लेवल क्वालिटी तक लेके जाना चाहते हैं और हो सकता है ये उनका पहला स्टेप है इस थॉट की तरफ। डेव टूडी की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां जाके डिटेल में देख सकेंगे इस टॉपिक के बारे में। और आखिरी में एक रिलायबल टिप्स्टर मैक्स जैम्बोर की तरफ से एक टिप मिली है ट्विटर के थ्रू कि OnePlus 9 और 9 Pro दोनों में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और बॉक्स के अंदर 65 वॉट का चार्जर भी देखने को मिलेगा। मार्च में लॉन्च होने वाली OnePlus 9 सीरीज पर नज़र रहेगी। मोटरोला ने बुलेट ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है कुछ रगेड फोन्स बनाने की जो ड्रॉप प्रूफ, शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ होंगे। बुलेट ग्रुप एक UK बेस्ड कंपनी है जो डेवलप, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है कैटरपिलर, लैंड रोवर और कोडैक लाइसेंस्ड रगेड और हैवी ड्यूटी स्मार्टफोन्स कुछ 50 मार्केट्स में। इस क्वार्टर के एंड में कुछ और डिटेल्स शेयर होंगी। गूगल पिक्सल यूजर्स गूगल फिट ऐप के थ्रू अपने हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को मेजर कर पाएंगे फ़ोन के रेयर कैमरास से। रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर होगा चेस्ट के राइज और फॉल से और हार्ट रेट मॉनिटर होगा फिंगर के थ्रू ब्लड मूव करने से कैमरा के ऊपर रखने पर। गूगल हेल्थ के टेक्निकल लीड ने शेयर किया है कि इंटरनल टेस्टिंग के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट 1 breath per minute के अंदर तक एक्यूरेटली काम किया है उनके लिए जो लोग हेल्दी हैं और जिनकी हेल्थ कंडीशंस भी है, और हार्ट रेट 2% तक एक्यूरेटली काम किया है। ये फीचर्स नेक्स्ट मंथ से पिक्सल फोन्स के लिए अवेलेबल होंगे और कुछ टाइम बाद दूसरे फोन्स में भी। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ही फेमस मोबाइल मैन्युफैक्चरर HTC मार्केट से चला गया है, बट ऐसा नहीं है। HTC ने दो मार्केट्स रशिया और साउथ अफ्रीका के लिए एक एंट्री लेवल फ़ोन HTC Wildfire E-Lite लॉन्च किया है। 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले है, क्वाड कोर MediaTek Helio A20 प्रोसेसर और 2GB रैम और 16GB के स्टोरेज के साथ आता है। इन स्पेक्स के साथ आपको Android 10 का Go एडिशन देखने को मिलेगा। 3000mAh की बैटरी है और प्राइसिंग रखी है कुछ $100 जो कि 7500 के आसपास है। होपफुली और मार्केट्स में जल्द ही आ जाएगा। ये अपडेट्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मैं ऐसी न्यूज़ हर हफ्ते आपके लिए लाता रहूं। बात करते हैं अगले कैटेगरी गेम्स की। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट चाइना में स्टीम ने एंट्री ले ली है। इस हेविली फोर्टिफाइड इंडस्ट्री में चाइना के लोकल पब्लिशर MMORPG स्पेशलिस्ट परफेक्ट वर्ल्ड के साथ टाई अप करके चाइना में स्टीम को एंट्री मिली है। बट स्ट्रिक्ट लॉस के चलते स्टीम चाइना में सिर्फ 41 टाइटल्स अवेलेबल हैं जहां बाकी मार्केट्स के लिए 48,000 टाइटल्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ये गेम्स ने फेमस मोबाइल गेम्स डेवलपर ग्लू मोबाइल को $2.4 billion में एक्वायर कर लिया है। EA का ये दूसरा बड़ा एक्विजिशन है कोड मास्टर्स के बाद। ग्लू मोबाइल कैजुअल मोबाइल गेम डेवलपर है जिन्होंने सेलिब्रिटी थीम गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स और टर्न बेस्ड RPG इन सभी फील्ड्स में बहुत ही फेमस गेम्स डेवलप किए हैं। ग्लू के गेम्स जनरली फ्री टू प्ले होते हैं और माइक्रो ट्रांजैक्शन से अर्न करते हैं।
इस डील से ईए को अपने प्लेयर बेस को इंक्रीज करने का पुश मिलेगा, जो ऑलरेडी 100 मिलियन एक्टिव डेली प्लेयर्स पर है, और ब्लू को कुछ और रीच मिलेगा अराउंड द वर्ल्ड। ये और रिस्पॉन एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा पॉपुलर बैटल रॉयले गेम एपेक्स लेजेंड्स का मोबाइल वर्जन शायद इस साल के थर्ड क्वार्टर तक लॉन्च हो जाना चाहिए। एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के डेवलपर और पब्लिशर हो सकते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट टेंसेंट। टेंसेंट गेम्स जिनका बैटल रॉयले गेम्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल भी मार्केट में यही लाएंगे। इंडिया जैसी हेवी मोबाइल गेमिंग मार्केट में ये लॉन्च ये और टेंसेंट के लिए काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। और आखिरी में यूबीसॉफ्ट के पॉपुलर ऑनलाइन टैक्टिकल फर्स्ट पर्सन शूटर रेनबो सिक्स सीज ने 70 मिलियन प्लेयर्स क्रॉस कर दिए हैं। ये फिगर 9 महीने पहले से 10 मिलियन इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू यूबीसॉफ्ट। लास्ट ईयर ये गेम अक्टूबर में एक्सबॉक्स गेम पास में ऐड हुई थी और दिसंबर में नेक्स्ट जेन कॉन्सोल्स एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एस और प्लेस्टेशन 5 के लिए 120 FPS सपोर्ट भी आया था। ये कुछ रीजंस हैं इसके प्लेयर बेस के ग्रोथ के। ये गेम लॉन्च हुई थी 2015 में और अभी तक भी इतनी पॉपुलर है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है यूबीसॉफ्ट के लिए। इसी के साथ बिट डेप्थ का एपिसोड 6 का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आप नोटिफाई हों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं थर्सडे को, जहाँ मैं बात करूँगा कुछ कंप्यूटर्स और बहुत सारे टॉपिक्स पर।